आज की कहानी। सेठ धनी राम। एक गांव में एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था। लोग उसे सेठ धनी राम कहते थे। उस सेठ के पास प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति थी, जिसके कारण उसके सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहन हमेशा उसे घेरे रहते थे। वे उन्हीं के राग अलापते रहते थे। सेठ भी उन सभी लोगों की काफ़ी मदद करता था। तभी अचानक कुछ समय बाद सेठ को एक भयंकर रोग लग गया। इस भयंकर बीमारी का सेठ ने बहुत उपचार करवाया, लेकिन इसका इलाज नहीं हो सका। आखिरकार सेठ की मृत्यु हो गई। यमदूत उस सेठ को अपने साथ ले जाने के लिए आ गए। जैसे ही यमदूत सेठ को ले जाने लगे, तभी सेठ थोड़ी दूर जाकर यमदूतों से प्रार्थना करने लगे कि मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं लौटकर तुरंत आऊं। दूतों ने उसे अनुमति दे दी। सेठ लौटकर आया, चारों ओर नजरें घुमाई और वापस यमदूतों के पास आकर बोला, शीघ्र चलिए। यमदूत उसे इस प्रकार अपने साथ चलने के लिए तैयार देखकर चौंक गए और सेठ से इसका कारण पूछा। सेठ ने निराशा भरे स्वरों में कहा, मैंने हेरा फेरी करके अपार धन एकत्रित किया था, लोगों को खूब खिलाया पिलाया और उनकी बहुत मदद भी की। सोचा था कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब जब मैं इस दुनिया को सदा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, तो वे सब बदल गए हैं। मेरे लिए दुखी होने के बजाय ये अभी से मेरी संपत्ति को बांटने की योजना बनाने लगे। किसी को मेरे लिए जरा सा भी अफसोस नहीं है। सेठ की बात सुनकर यमदूत बोले, इस संसार में प्राणी अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। इंसान जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है, उसे इसका परिणाम स्वयं ही भुगतना पड़ता है। हर प्राणी इस सत्य को समझता तो है, पर देर से। तो इस कहानी से हमें सीख लेनी है, हम इस बात को अपने जीवन में भी देख रहे हैं। लोग जीवन के सत्य को भूलकर मानव द्वारा बनाए गए जाल, जैसे लालच, रुपया, पैसा, बुराई आदि, इनके तले दब गए हैं। आप जो भोजन ग्रहण करते हैं, वह पेट में 4 घंटे रहता है, और वस्त्र पहनते हैं वह 8-6 मास। लेकिन जो ज्ञान आप हासिल करते हैं, वह आपके अंतिम श्वास तक रहता है, साथ निभाता है और संस्कार बनकर आपकी अगली पीढ़ी तक पहुंचता है। ज्ञान का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो है, जितना है, सफल करते चलो। सफल करने से ही सफलता मिलती है। हर व्यक्ति को सकारात्मक तरीके से देखो, सुनो और समझो। हम जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हमें अपनी कमियों का उतना ही ज़्यादा एहसास होता है, और इसी कमी को दूर करके हम सफलता की मंजिल की ओर अपने कदम बढ़ाते चले जाते हैं। ओम शांति।